हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि EWS और जो DG कैटेगरी के अंडर जिसके एडमिशन हुए हैं दिल्ली में, उनके बारे में बात करने वाले हैं कि उनका जो सेकंड लिस्ट कब तक आएगी और जिसका लिस्ट में नाम आ गया है उनको क्या करना है, कब से उनको जाके स्कूल में रिपोर्ट करना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि उनको स्कूल वाले मना कर रहे हैं किसी भी रीजन से, तो उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं एकदम डिटेल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना। और दूसरा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको केंद्रीय विद्यालय और जो DG और EWS के थ्रू जो एडमिशन हो रहे हैं उन सभी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी, सभी ड्रॉ के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में आपको इसमें मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम जो बात करने वाले हैं उसमें जो एकदम डीपली बात करेंगे सभी चीज़ों के बारे में कि फ्रेंड्स, जो अभी जो लॉटरी जो अभी निकली थी इसकी 26 अप्रैल 2022 को फर्स्ट EWS DG कैटेगरी की, इसमें अभी जिनका सिलेक्शन हो गया, जिनका नाम आ गया है, रिजल्ट तो चेक कर ही लिया होगा, ठीक है, उनको अभी क्या करना है, उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। उनको एक मैसेज आया होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉलम नंबर 2 में दिखा रखा है कि एक SMS के थ्रू या फिर एक मोबाइल कॉल के थ्रू उनको एक नोटिफिकेशन आया होगा, ठीक है, कि उनका बच्चे का जो सिलेक्शन है वो हो गया है। अब उनको फर्दर क्या करना है, कब उसको रिपोर्ट करनी है, उसकी डिटेल भी दी होगी, स्कूल का नाम दिया होगा उसमें, नहीं तो आप रिजल्ट में भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी स्कूल का नाम शो कर रहा होगा यदि आपका बच्चे का नाम आ गया है तो फर्स्ट रो में, ठीक है। ये आप लेटर देख सकते हैं, ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन प्राइवेट स्कूल ब्रांच ओल्ड सेक्रेटरेट दिल्ली, ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का लेटर है। इसको आप, ये सभी स्कूल्स को डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है स्कूल्स एज वेल एज स्टूडेंट्स को, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी यहाँ पे ये देखिए, आप जिसका सिलेक्शन हो गया है, पहले तो हम उनके बारे में बात कर लेते हैं कि उनको जैसे उनको इसमें जो डेट और टाइम दिया गया है उसके बाद और 30 मई 2022 से पहले, 1 बजे से पहले पहले 30 मई 2022, यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर कॉलम में आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स दे रखे, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फील्ड, 2 फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ रेजिडेंशियल प्रूफ एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ EWS DG और CWSN कैटेगरी, ठीक है, ये आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं 30 मई 2022 को 1 बजे से पहले पहले, ठीक है। और दूसरा, यदि कुछ भी चेंज है तो आपको SMS के थ्रू उन्होंने इन्फॉर्म किया होगा, आपके SMS में भी कुछ उन्होंने दिया होगा, ठीक है। अभी उसके बाद कुछ लोग बोल रहे थे कि उनको चार्ज, मतलब पैसे चार्ज कर रहे हैं, कुछ लोग एडमिशन के लिए मना कर रहे हैं, उनका सारी डिटेल्स इस लेटर में दे रखी है कि कोई भी स्कूल मना नहीं कर सकता एडमिशन के लिए। अभी यहाँ पे ये देखिए, मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए एक जो 7 नंबर कॉलम जो दिख रहा है, द स्कूल शैल नॉट चार्ज ट्यूशन फीस फ्रॉम द स्टूडेंट एडमिटेड अंडर EWS DG CWSN कैटेगरी, फर्दर स्कूल हैव टू प्रोवाइड द फ्री बुक्स, स्कूल यूनिफॉर्म एंड राइटिंग मटेरियल टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है। इसमें एकदम क्लियरली दे रखा है कि उनको नहीं पे करना है कुछ भी, ठीक है, जिनका इस कैटेगरी के अंडर एडमिशन हुआ है और स्कूल यदि फिर भी कुछ करता है तो आपको मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर भी बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, वहां पे आप इनको क्वेरी भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि अभिभावकों को परेशानी क्या हो रही है, कि दूसरी लिस्ट का इंतज़ार करना है कि नहीं करना है, कब आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अभी जो दूसरे, आप इस लेटर के गो थ्रू हो जाना, आपको जहाँ पे लगे इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते जाना, मैं तब तक दूसरी चीज़ को भी आपको साथ साथ बता देता हूँ, क्योंकि इसको मैं पूरा कवर करना तो आप बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ कि दूसरी लिस्ट कब तक आएगी, कितने बच्चे जो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं दूसरी लिस्ट का। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ कि जो दूसरी लिस्ट है ये 30 मई के बाद ही आएगी, मतलब आप समझ सकते हैं कि वो जून जुलाई अगस्त पिछली बार की तरह जुलाई अगस्त में या सेप्टेम्बर में ऐसे इतनी लेट भी आई थी, तो इसमें आपके बच्चों का भी नुकसान हो सकता है कि उनकी पढ़ाई भी हम पर होगी यदि आप दूसरी जगह एडमिशन नहीं करवाते हैं, तो उसका इंतज़ार भी करना, और ये भी श्योरिटी नहीं है कि आपका दूसरी लिस्ट में सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि दूसरी लिस्ट का अभी 30 मई के बाद ही आएगी, ये तो क्लियर हो गया है इसी लेटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपको पता है सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो आप अपना कंफर्ट के हिसाब से देख लेना कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें उनको बच्चों को एडमिशन करवाना है और जो भी प्रॉब्लम आ रही है, और अभी जो मैं नंबर बताने वाला था कि आपको कुछ भी समस्या होती है तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये नंबर दे रखे हैं जो 4 नंबर कॉलम जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें 2 नंबर दे रखे हैं इन्होंने, इन दोनों पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, 10 बजे से 5 बजे के बीच में,
कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी ग्रीवेंसेस हो, आप वहाँ से आप क्वेरी कर सकते हैं, वहाँ से आप पता कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।